वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट। स्टार्ट करते हैं। मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। अब देखिए क्या टर्म्स है, मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन और एनी फैक्टर इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। यानी कि प्रत्येक वो फैक्ट क्या कहलाए जाएंगे, रेलिवेंट कहलाए जाएंगे, जो क्या शो कर रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मोटिव कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मोटिव को शो कर रहे हैं, प्रिपरेशन को शो कर रहे हैं किसी भी फैक्ट एंड इश्यू की या रेलिवेंट फैक्ट की। मोटिव क्या होता है बताओ, पिछली वीडियो में बताया था, जो सीक्वेंस में वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा। एंड रिजल्ट ऑफ दैट एक्ट। प्रिपरेशन क्या हो गया, कोई भी चीज आप क्या कर रहे हो, क्राइम को कमिट करने से पहले जो चीज क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए अब प्रिपरेशन को समझाता हूं। प्रिपरेशन क्या हो गया, जैसे मुझे ए को क्या करना है, जान से मारना है, तो मैंने कोई रॉड, कोई गन, कोई ऐसी थिंग्स क्या करी, अरेंज करी। क्लियर, यानी कि प्लानिंग, सब चीज, अरेंजमेंट ऑफ नेसेसरी थिंग्स जो भी मेरे क्राइम के लिए क्या है, जरूरी है। क्लियर, जो भी मुझे क्राइम करना है उसके लिए जो भी चीजें जरूरी थी उन्हें क्या कर रहा हूं, मैं अरेंज कर रहा है। तो वो चीज क्या है, प्रिपरेशन है। कोई भी फैक्ट प्रिपरेशन को शो कर रहा है, मोटिव को शो कर रहा है, फैक्ट एंड इशू के या रेलिवेंट फैक्ट के, तो वो फैक्ट क्या कहलाए जाएंगे, रेलिवेंट कहलाए जाएंगे। अब देखिए सामने आपको सभी को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ए एंड बी दोनों की क्या हुई है, एक दूसरे से लड़ाई हो गई, फाइट बिटवीन ए एंड बी। ए ने क्या कहा, आई विल किल यू, आई विल टेक रिवेंज, मैं तुझसे बदला लूंगा, मैं तुझे मार दूंगा जान से। तो यहां क्या हो रहा है, ये मोटिव शो कर रहा है। क्लियर, जब मेरी किसी व्यक्ति से लड़ाई, मैंने कहा आई विल टेक रिवेंज, मैं तुझसे बदला लूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो ये क्या शो कर रहा है, ये मोटिव शो कर रहा है। तो ये फैक्ट भी क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कहा ए को मैं तुझे जान से मार दूंगा, आई विल टेक रिवेंज, और रात में उसका मर्डर हो गया, और किसी व्यक्ति ने मुझे ये कहता हुआ देख लिया था, या मुझे कहता हुआ उसने सुना और देख लिया था कि मेरी लड़ाई हो रही है और मैंने ए से कहा आई विल टेक रिवेंज, मैं बदला लूंगा, तो ये चीज क्या है, मोटिव को शो कर रही है। तो ये फैक्ट भी क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। प्रिपरेशन, इट मींस टू अरेंज द नेसेसरी रिसोर्सेज फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटेंशनल क्रिमिनल एक्ट। जो आपका क्रिमिनल एक्ट है, यानी कि आपकी इंटेंशन है उस क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए, और आप क्या कर रहे हो, नेसेसरी रिसोर्सेज का क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट कर रहे हो, लाइक गन, रॉड, एनीथिंग एल्स, तो उस चीज का क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट कर रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रिपरेशन कहेंगे। क्लियर, यानी कि कोई फैक्ट है, कोई मैंने रॉड, कोई पिस्टल खरीदी, यानी कि ए को मारने के लिए। क्लियर, तो ये सारे फैक्ट भी क्या कहलाए जाएंगे, रेलिवेंट कहलाए जाएंगे अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट। मोटिव इज द एंड पॉइंट ऑफ दैट एक्ट। मोटिव क्या करता है, रेज करता है इंटेंशन को, क्या है, एंड पॉइंट है किसका, एक्ट का। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग्स और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट देयर टू एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन ऑफेंस अगेंस्ट हुम इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इज रेलिवेंट इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट एंड वेदर इट वॉज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट देयर टू। अब देखिए इसे समझाने से पहले मैं आपको नीचे कंडक्ट के बारे में बताना चाहता हूं, कौन सा कंडक्ट हमारा रेलिवेंट होगा, यानी कि कौन सा हमारा कोई भी एक एक्ट है, कोई कंडक्ट है, वो कौन सा रेलिवेंट होगा। कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, स्टार्टिंग में देखिए स्क्रीन पे, द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी, यानी कि पार्टी के द्वारा कंडक्ट करावा। क्लियर, और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी, यानी कि मेरा कोई एजेंट था उसका कंडक्ट करावा, किसी भी पार्टी का क्या, एजेंट के द्वारा कंडक्ट करावा या उन पार्टी के द्वारा कंडक्ट करावा, वो क्या कहलाया जाएगा, रेलिवेंट कहलाया जाएगा। क्लियर, ए और बी की लड़ाई हुई, तो जो भी कंडक्ट ए का है, जो भी कंडक्ट बी का है, वो क्या कहलाया जाएगा, रेलिवेंट कहलाया जाएगा। मैंने एक शार्प शूटर, यानी कि मैंने कोई एजेंट क्या कर लिया, हायर कर लिया, तो मेरे एजेंट के द्वारा पार्टी ने क्या करा था, पार्टी का जो एजेंट था उसका कंडक्ट भी क्या कहलाया जाएगा, रेलिवेंट कहलाया जाएगा। कंडक्ट इन रेफरेंस टू व्हाट, किस रेफरेंस में कंडक्ट हमारा रेलिवेंट कहलाया जाएगा, इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि कोई भी रेलिवेंट फैक्ट से रेफरेंस हो, है ना, इन रेफरेंस टू रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट एंड इशू और इन सच सूट और प्रोसीडिंग, यानी कि फैक्ट एंड इशू से वो क्या होना चाहिए, फैक्ट क्या होना चाहिए, रेफरेंस में होना चाहिए, हमारे रेलिवेंट फैक्ट के क्या होने चाहिए, रेफरेंस में होना चाहिए। कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट, अब जो हमारा कंडक्ट था वो इन्फ्लुएंस किससे होना चाहिए,
बाय एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि हमारा कौन सा कंडक्ट रेलिवेंट कहलाया जाएगा, तीनों चीज आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वो कंडक्ट कब रेलिवेंट कहलाएगा, जब वो कंडक्ट किसके द्वारा करा गया हो, पार्टीज के द्वारा करा गया हो या पार्टीज के एजेंट के द्वारा करा गया हो। किसके रेफरेंस में वो कंडक्ट, इन रेफरेंस टू सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। और उस फैक्ट ने क्या करा हो, इन्फ्लुएंस क्या करा हो, सॉरी उस कंडक्ट ने इन्फ्लुएंस क्या करा हो, कंडक्ट इन्फ्लुएंस बाय एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कंडक्ट रेलिवेंट, यानी कि जब कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री, ए बी सी तीनों फुलफिल होगी तो वो कंडक्ट क्या कहलाया जाएगा, रेलिवेंट कहलाया जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक और बार समझाता हूं, कौन सा कंडक्ट हमारा रेलिवेंट कहलाया जाएगा, जो कंडक्ट किसके द्वारा करा गया हो, पार्टीज के द्वारा करा गया हो या पार्टीज के एजेंट के द्वारा करा हो। सेकंड कंडीशन क्या है, किसके रेफरेंस में हो, इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। किसे इन्फ्लुएंस कर रहा हो कंडक्ट, कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब एक बार रीड आउट करते हैं, द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग, यानी कि कोई भी कंडक्ट पार्टी का हो या पार्टी के एजेंट के द्वारा करा हुआ हो, किसी भी सूट का, किसी भी प्रोसीडिंग का, किस रेफरेंस में, इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट, एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एन ऑफेंस अगेंस्ट हुम, किसके अगेंस्ट में होना चाहिए, विक्टिम के अगेंस्ट में, इज द सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग इज रेलिवेंट इफ सच कंडक्ट इन्फ्लुएंसेस और इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट एंड इशू और रेलिवेंट फैक्ट एंड वेदर इट वॉज प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। यानी कि आपका कंडक्ट क्या हो, चाहे प्रीवियस भी हो सकता है और आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी हो सकता है, वो कंडक्ट क्या कहलाया जाएगा, रेलिवेंट कहलाया जाएगा। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वन। द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट अनलेस दोज स्टेटमेंट्स अकंपनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट, बट दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू अफेक्ट द रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। अब देखिए, अब स्टेटमेंट जो हमारा कंडक्ट वर्ड है, जो कंडक्ट टर्म है इस सेक्शन में जो यूज करी गई है, जो सेक्शन में यूज करी गई है कंडक्ट टर्म, वो किस चीज को इंक्लूड नहीं करती, इट डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करती। कब तक नहीं करती उस स्टेटमेंट को इंक्लूड, अनलेस दो स्टेटमेंट अकंपनी एंड एक्सप्लेन्ड एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट। जब तक वो स्टेटमेंट हमारे कंडक्ट से ना क्या ना हो, अकंपनी ना हो, जब तक वो स्टेटमेंट क्या नहीं कर रही हो, एक्ट को क्या नहीं कर रही हो, एक्सप्लेन नहीं कर रही हो, तब तक जो स्टेटमेंट है वो कंडक्ट के अंदर नहीं आता। क्लियर, वो स्टेटमेंट कंडक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होती। कब तक, अनलेस दो स्टेटमेंट्स अकंपनी एंड एक्सप्लेन्ड एक्ट्स अदर देन स्टेटमेंट। बट जो एक्सप्लेनेशन वन है वो अफेक्ट नहीं डालता, अगर स्टेटमेंट एविडेंस एक्ट के किसी और सेक्शन में रेलिवेंट है तो सेक्शन एट उस पर अफेक्ट नहीं डालेगा। अब एक्सप्लेनेशन वन पे जो हमारी स्टेटमेंट है और कंडक्ट है वो किसके द्वारा होना चाहिए, बाय सेम पर्सन। इफ स्टेटमेंट अफेक्ट द रेलिवेंट कंडक्ट देन स्टेटमेंट विल बी रेलिवेंट। अब एक स्टेटमेंट क्या है, अफेक्ट डाल रही है किस पे, रेलिवेंट कंडक्ट पे इफेक्ट डाल रही है, तो वो स्टेटमेंट क्या कहलाई जाएगी, रेलिवेंट ही कहलाई जाएगी। अगर स्टेटमेंट किस पे अफेक्ट डाल रही है, रेलिवेंट कंडक्ट पे, रेलिवेंट कंडक्ट अभी पढ़ा था उस पे अफेक्ट डाल रही है, तो स्टेटमेंट भी क्या कहलाई जाएगी, रेलिवेंट कहलाई जाएगी। एक्सप्लेनेशन टू, व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, जब एक पर्सन का जो कंडक्ट है वो रेलिवेंट है, एंड सॉरी एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हेयरिंग विच अफेक्ट सच कंडक्ट इज रेलिवेंट। और देखिए, वो कंडक्ट जो रेलिवेंट है उसे अफेक्ट डाल रही है वो स्टेटमेंट, वो क्या कहलाएगी, रेलिवेंट कहलाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्सप्लेनेशन टू पे ध्यान रखना, स्टेटमेंट और कंडक्ट किसके द्वारा, डिफरेंट पर्सन के द्वारा। एग्जाम्पल समझाता हूं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा एक्सप्लेनेशन वन और एक्सप्लेनेशन टू। देखिए एग्जाम्पल समझाता हूं, मैंने कोई चीज अनाउंस करी, मैं क्लास ले रहा हूं या मैं लेक्चर दे रहा हूं कॉलेज में, तो मैंने क्या कहा, जिस भी बच्चे ने कल लड़ाई करी थी, क्लियर, उसकी वीडियो किसमें आ चुकी है, सीसीटीवी कैमरे में आ चुकी है और पुलिस आ रही है उस पर्सन को अरेस्ट करने। क्लियर, इसे सुनते ही एक मुकुल नाम का लड़का था वो भाग गया, क्लियर, पीछे के गेट से वो भाग गया। तो उसके जो हमने क्या बोला, हमने जो स्टेटमेंट दी उसने अफेक्ट किस पे डाला, कंडक्ट पे, क्लियर, और वो पर्सन भागा, तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाई जाएगी, रेलिवेंट कहलाई जाएगी। क्लियर, तो कोई भी चीज, मैंने कुछ चीज बोली है, स्टेटमेंट दी, उसकी वजह से कोई कंडक्ट हो रहा और वो कंडक्ट क्या है, रेलिवेंट कंडक्ट है, तो वो स्टेटमेंट भी क्या कहलाई जाएगी, रेलिवेंट कहलाई जाएगी। क्लियर, तो यहां पे स्टेटमेंट किसी और पर्सन के द्वारा थी और कंडक्ट किसी और पर्सन के द्वारा था। एक और एग्जांपल समझते हैं,
कोई भी मर्डर हुआ, किसी ने भी क्या करा, क्लास में मर्डर कर दिया, सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। अब क्या हुआ, मैंने ये चीज कही कि क्लास के सीसीटीवी कैमरे चल रहे थे, यानी कि क्लास में सीसीटीवी कैमरे थे, बट लोगों को लगा वो खराब हो चुके हैं। मैंने कहा हमने कल ही क्या करवा लिए थे, सीसीटीवी कैमरे सही करवा लिए थे, और उसकी जो फुटेज है वो अभी आने वाली है हमारे पास आधे घंटे में, और हमने पुलिस को भी क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया है। ये इन्फॉर्मेशन सुनते ही मेरे दोनों ही एग्जाम्पल सिमिलर हो चुके हैं, बट आप समझने की कोशिश करना। तो ये चीज सुनते ही जो दो लड़के थे वो क्लास से भाग गए, क्लियर। तो मेरे स्टेटमेंट की वजह से जो अफेक्ट डला किस कंडक्ट पे, वो कंडक्ट हुआ, और वो कंडक्ट क्या था, रेलिवेंट कंडक्ट था, तो मेरी स्टेटमेंट भी क्या कहलाई जाएगी, रेलिवेंट कहलाई जाएगी। क्लियर, एक्सप्लेनेशन वन और एक्सप्लेनेशन टू आपको समझ आ चुके होंगे, बट ध्यान 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 एक चीज का रखना, जो एक्सप्लेनेशन टू है वहां स्टेटमेंट और कंडक्ट क्या है, बाय डिफरेंट पर्सन है, और एक्सप्लेनेशन वन में बाय सेम पर्सन। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट। अब आते हैं इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन समझ के और अच्छी तरीके से आपको सेक्शन एट समझ आ जाएगा। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, द फैक्ट्स दैट ए मर्डर्ड सी, दैट बी न्यू दैट फैक्ट ए हैड मर्डर्ड सी एंड दैट बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक आर रेलिवेंट। देखिए अब ए क्या करता है, देखिए अगर एक बात समझिए, अगर आपको कोई चीज पता है, इस एग्जाम्पल में क्या चीज पता है, ए ने क्या करा, सी को जान से मार दिया, ए ने सी को जान से मार दिया, और वो चीज बी ने क्या है, देख ली, यानी कि बी को उस चीज की नॉलेज है कि सी को मारने वाला कौन है, ए है। तो बी ने क्या कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह ना खोलूं तो मुझे 5 लाख रुपए दो। तो ए ने क्या करा, अब यहां पे समझने की कोशिश करना, अब ए को पता है कि बी को नॉलेज है कि मैंने सी को मारा है, और वो पब्लिकली अनाउंस कर देगा अगर मैं पैसे नहीं दूंगा, तो ए क्या कहता है, चलो बी को ही मार दो। क्लियर, तो यहां पे मोटिव क्या था, बी को मारने का मोटिव क्या है ए का, कि बी को नॉलेज है, कि बी को पता है कि मैंने ए का मर्डर किया था, इसलिए मैं बी को भी जान से मार दूं। क्लियर, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन, द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोक्योर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वॉज एडमिनिस्टर्ड टू बी इज रेलिवेंट प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या बताया था मैंने आपको, बिल्कुल सही, कि आप क्या करते हो, अरेंजमेंट करते हो किसका, रिसोर्सिस का, जो रिक्वायर्ड होते हैं किसको, क्राइम को कमिट करने के लिए। क्लियर, अब आपने कोई शॉप से क्या करा, पॉइजन खरीदा, और जो बी का मर्डर हुआ है वो उसी पॉइजन से हुआ है, तो ये प्रिपरेशन आप में आ गया, और ये फैक्ट भी क्या कहलाया जाएगा, रेलिवेंट कहलाया जाएगा। ए प्रोक्योर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वॉज एडमिनिस्टर्ड टू बी, जो बी को पॉइजन दिया गया था वही सिमिलर पॉइजन किसने खरीदा था, ए ने मार्केट से खरीदा था, तो ये फैक्ट भी क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, और किस चीज में आएगा, प्रिपरेशन में आएगा, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, द फैक्ट दैट ए एब्सकॉन्डेड आफ्टर रिसीविंग अ लेटर वार्निंग हिम दैट इंक्वायरी वॉज बींग मेड फॉर द क्रिमिनल एंड द कंटेंट ऑफ द लेटर आर रेलिवेंट। अब देखिए ये मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल बताया था, सिमिलर क्या बताया था, मैंने अपने कॉलेज में अनाउंस करा, स्टूडेंट्स जिसने भी ए का मर्डर करा है, सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है उसकी, पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया है। ये सुनते ही एक पर्सन क्या करे, भाग गया पीछे के गेट से, तो क्लियर, तो ये फैक्ट क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा। वैसे ही इलस्ट्रेशन में दे रखा है कि ए ने क्राइम करा है, वो कैसे पता चल रहा है, कि ए तुरंत भाग गया जब उसने लेटर रिसीव करा, और उसमें क्या लिखा रहा था कि क्रिमिनल के अगेंस्ट में क्या होगी, इंक्वायरी सेटअप होगी। इस कंटेंट को देखते ही क्या कर गया, ए भाग गया, एब्सकॉन्डेड, तो वो फैक्ट भी क्या हो गया, रेलिवेंट हो गया। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट पेज। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, द फैक्ट दैट आफ्टर बी वॉज रॉब्ड सी सेड इन एज प्रेजेंस द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द मैन हु रॉब्ड बी एंड दैट इमीडिएटली आफ्टर वर्ड्स ए रन अवे आर रेलिवेंट। अब देखिए क्या ए ने बी को लूटा है, कैसे पता चलेगा, जैसी बी को लूटा गया, सी ने क्या, सी ने अनाउंस कर दिया ए की, ए वहां प्रेजेंट था, यानी कि एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी होल था उसमें क्या करा, बी को क्या कर दिया, लूट लिया गया, कहीं पे भी बी को लूट लिया गया, ठीक। तो सी ने क्या करा, अनाउंस करा, जैसे बी को लूटा गया सी ने अनाउंस करा जहां पे ए भी प्रेजेंट था कि पुलिस आ रही है, जिसने बी को लूटा उसे वो क्या कर लेगी, अरेस्ट कर लेगी। इमीडिएटली ऐसी इंफॉर्मेशन सुनते ही ए भाग गया वहां से, तो ये फैक्ट भी क्या है, रेलिवेंट है। क्लियर, हाँ इस पे वो क्या कर सकता है, वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई थी, सडन मेरी मदर की डेथ हो गई थी, या मेरी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हॉस्पिटल ले जाना था, डिफरेंट चीजें होती है, वो अभी यहाँ डिस्कस करना मैं जरूरी नहीं समझता। अब करते हैं लास्ट इलस्ट्रेशन को डिस्कस। द क्वेश्चन इज वेदर ए
और बी रुपीज 10,000। द फैक्ट दैट ए आस्क्ड सी टू लेंड हिम मनी एंड दैट डी सेड टू सी इन एज प्रेजेंस एंड हियरिंग आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रस्ट ए फॉर ही ओज बी 10,000 रुपीज एंड ए वेंट अवे विदाउट मेकिंग एनी आंसर आर रेलिवेंट फैक्ट्स। अब क्या होता है, देखिए ए एक व्यक्ति था, उसने बी से क्या लिए थे, 10,000 रुपये उधार लिए थे। फिर अब उसने ए ने सी से 10,000 रुपये मांगे और वहां पे डी ने किसे कहा, सी को कहा कि भैया ए पे ट्रस्ट मत करो, ए ने बी के 10,000 रुपये भी वापस नहीं किए हैं। ये सुन के चुपचाप से ए वहां से चला गया, तो ये फैक्ट भी क्या है, रेलिवेंट है। क्लियर, ये चीज समझ लो कि मैंने क्या करा, एक किसी व्यक्ति से उधार लिया था, क्लियर, मैंने उसका नहीं चुकाया, फिर मैंने किसी और व्यक्ति से पैसे मांगे, तो उस व्यक्ति के दोस्त ने कहा कि मैं जानता हूं इसने पहले वाले जिस व्यक्ति से पैसे लिए थे उसके भी लौटाए नहीं है, तो मैं तुम्हें एडवाइस करता हूं इस व्यक्ति को, शुभम सर को पैसे मत दो, शुभम सर पैसे रिफंड नहीं करते। तो ये फैक्ट भी क्या कहलाया जाएगा, रेलिवेंट कहलाया जाएगा। शुभम सर चुपचाप वहां से चले गए, तो ये फैक्ट क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है। होपफुली आपको सेक्शन 8 ऑफ एविडेंस एक्ट क्लियरली समझ आया हो, सारे पॉइंट मैंने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइस।